दोस्तों यहाँ दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं नमोघाट जाएंगे, उसके बाद जाएंगे सारनाथ जाएंगे क्योंकि भगवान बुद्ध को समर्पित है वो। यहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा, काफ़ी लंबा सफ़र हो जाएगा। यहाँ यहाँ के दीवार में बहुत कुछ लिखा हुआ समझने के लिए, अगर आप किसी को संस्कृत आती है उसका हिंदी वर्जन भी कैबिट किया गया है, काफ़ी हिंदी में संस्कृत नहीं पढ़े हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ो तो उसका जो दिया गया है क्या लिखा हुआ है, तो ये जो हम लाला शिक्षाएँ हमारे मन के अंदर से जाती हैं, इसे अगर हमें ख़त्म कर लिया तो हमें मौत से कोई नहीं रोक सकता, पर से आसान नहीं है रोकना, इसीलिए महादेव महादेव ही है। दीवार में बहुत अच्छे अच्छे बात लिखे हुए हैं और कई लोगों को आज संस्कृत आती नहीं है, तो हमारी जो सर्वभाषा संस्कृत है वो हटती चली जा रही है। सारी दीवारों सभी दीवारों में अंकित मतलब बहुत कुछ शिलालेखों में लिखा हुआ है, संस्कृत लिखा ऊपर से, उसके नीचे का जो अर्थ दिया गया है वो अर्थ भी बताया गया, उसको क्या मतलब होता है आप वो पढ़ सकते हैं तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे क्या चीज़ जीवन हमारा क्या है, हम किस लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। हरहर महादेव। वापस जा रहे हैं, यहाँ से दर्शन हो चुका है काशी विश्वनाथ जी महाराज जी का, तो मैंने आपको प्रसन्नता शुरू से लेकर अंत दिखा दिया। पीछे देखिए क्या नजारा मंदिर का, बहुत बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं शिखर बड़ा अच्छा लग रहा है देख रहे हैं। छोड़ दो देखिए सीढ़ी छोड़ दो द्वारपाल चेंज टू बैक। यहाँ जूता वगैरह जमा कर सकते हैं, जूता घर है फ्री ऑफ पोस्ट है, तो अपने जूता वगैरह हल्के हल्के लेके सुबह से लेके लगे लौटे मोबाइल वगैरह जाना लौटे पर चप्पल लगे। तो दोस्तों अभी हम सारनाथ पहुँचे हैं, तकरीबन 22 किलोमीटर सफ़र जो था ऑटो से किया हमने, बंदे सही कहते यहाँ के जो बोर्ड वगैरह साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं काफ़ी गलत लगे हुए हैं यार, कहीं 7 किलोमीटर दिखा रहे, कहीं 6 किलोमीटर दिखा रहे, कहीं 8 किलोमीटर दिखा रहे, बहुत गलत बोर्ड है। 600 मीटर और आप बी एस सी कहाँ पे है? तो सारनाथ जैसे आप जानते हैं नहीं देखा गया टेंपल है सारनाथ बोस टेंपल है, सारनाथ बोस टेंपल यहाँ से इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी एनलाइटमेंट के बाद गया से, तो यहाँ पे ये मतलब कि चार में से एक है जो इनके बौद्ध के जो मेन टेंपल्स होते हैं उसमें से, हाँ चारों टेंपल में से एक है जो मेन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गया में जो दोपना जो ज्ञान हाजिर किया था उसके बाद फर्स्ट टाइम उपदेश उन्होंने यहाँ पे दिया था सारनाथ में। तो यहाँ सारे आप वगैरह देखेंगे बौद्ध के लोग जो हैं जैपनीज हो गए या फिर तिब्बती नेपाली वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते भी हैं, यहाँ पे मिलन और मिलाप भी होता है इनका, हाँ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। अच्छा आप काफ़ी दूर दूर से यानी जैपनीज टेम्पल भी इधर ही है बौद्ध के जो बौद्ध जी थे, काफ़ी पुराना और आर्टिस्ट बहुत पुराना है इसका, तो यहाँ पर ये हिंदू ज़्यादा यहाँ पर आपको जैपनीज वगैरह मिलेंगे बंदे क्या बोलते उन्हें हुए लामा यही सकल देख के चाहते हेलो भाई क्यों ऊँचा मंदिर इतना सा, वो अगर चाहिए तो गाइड वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड है मिल जाते हैं, आप वोट से उतरते सबसे पहले आपको गाइड वाला ही मिलेगा 50 रुपये 100 रुपये तरीके से 20-20 रुपये ले रहे यार गाइड के, जैसे अगर लेना चाहते ले सकते हैं तो आपको 3-4 तक काफ़ी जो है यहाँ की सही सही अच्छी अच्छी जगह है वो दिखाएगा आपको, मात्र 50 रुपये लेगा गाइड पैदल ही घुमाएगा, ज़्यादा दूर दूर नहीं है तकरीबन 500 मीटर के अंदर ही है जो भी सारे टेम्पल यहाँ के, अभी सारा का रिनोवेशन हो रहा है बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, तो खुले डुले काफ़ी शांति सी है जैसे बुजी को चाहिए थी वैसे है यहाँ पे शांति वगैरह काफ़ी देख ली, नेचुरल पूरा एकदम एनवायरनमेंट एकदम नेचुरल है पूरा। ये सामने ऊंचा टीला सा इसको पता नहीं क्या ये स्तूप सा यही है, इसकी जो टाइमिंग है तकरीबन 4:30 बजे की है, अगर आप वहाँ पहले आते हैं तो एंट्री टिकट 20 रुपये है, अगर लेट हो गए तो मंदिर बंद हो जाएगा दर्शन नहीं होगा आपको, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता सारनाथ ये काशी से 22 किलोमीटर वगैरह दूर है, तो 4 बजे से पहले आएंगे तो फ़ायदा रहेगा आपका, वरना हमें इधर वापस जाना पड़ेगा बंद हो चुका है गेट, वहाँ से दिखाएंगे आपको ये टीला सा ऊंचा सा क्या है। अभी शांति बहुत शांति लग रही है यहाँ पे, ओनली लोग जो वैसे कुछ जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ गेम वगैरह खेल रहे पार्क वगैरह में, तो ये वो चीज़ है स्तूप सा ये ऊंचा सा
इस समय गेट है जो बंद हो चुका है। जैपनीज लोग आरती वगैरह कर रहे मॉन्क्स होते हैं, आरती बत्ती है, तिब्बतियन होते हैं मॉन्क, जो मॉन्क्स होते हैं लामा वो सारे लामा लामा। तो यही है स्तूप है जो यहाँ पे बुद्ध जी ने यहीं पे जो ज्ञान दिया था लोग, पहला प्रथम उपदेश था यहीं पे दिया था उन्होंने ज्ञान हासिल होने के बाद। तो गाइस इससे ज़्यादा मैं दिखा सकता हाथ डाल के मैंने यहाँ से वीडियो बनाई है, क्योंकि गेट वगैरह जो बंद हो चुका है, लोग जो उनको मानते हैं इस टाइम आरती वगैरह जो करते चक्कर लगाते हैं वो लगा रहे हैं। टाइमिंग आपको तो ऐसे बताया चार बजे के साथ बीस या चार बजे की जो टाइमिंग है, इतने बजे की है, इसके बाद टिकट मिलना बंद हो जाएगी, गेट बंद हो जाता है, एंट्री नहीं होती है, क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि कितने बजे बंद होगा, क्योंकि ऑटो काफ़ी टाइम लगा दिया ऑटो वाले ने, तो इस करके लेट हो गए हम, 5 बज चुके हैं। पर काफ़ी अच्छा जी पीस, काफ़ी बहुत बढ़िया शांति वगैरह है, चिड़िया की चहचहाट पंछियों की जो गूंजे आ रही है, लोग अभी वगैरह घूमने वगैरह आ रहे हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको नमो घाट पर चलेंगे वहाँ पर। हेलो गाइस, हम पहुंचे हुए हैं नमो घाट, काशी से तकरीब 5 या 6 किलोमीटर दूर पड़ेगा, थोड़े जो 5 किलोमीटर का है इतना अंतर है। नमो घाट अभी काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, तो जब ऊपर से ऑटो कर पहले वहाँ गए सारा से वापस आए हम नमो घाट के लिए। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ नमो घाट पे, जैसे आप देख रहे हैं जो हाथों के पोजिशन है नमो एकदम बनाया गया उसी तरह से, 3 हाथ हैं, 2 बड़े 1 छोटे हाथ हैं। ये शाम का दृश्य है, तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो लाइट वगैरह आप देखें ऊपर, ये जो सामने यहाँ जब पुल क्रॉस हो रहा है तो डबल लेने नीचे ट्रेन जाती है, ऊपर जाती है गाड़ी वगैरह जाती है, तो नीचे बोट वगैरह जाती है, तो सारा ऊपर आसमान मतलब एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ देखने मिल जाती हैं। दिन में आएंगे दिन में तो आपको ये जो लाइटें वगैरह नहीं दिखेंगी, बाकी आपको ट्रेन वगैरह बड़ी अच्छी मिल जाएगी, देखने में आप ट्रेन यहाँ से गुजरती है, बड़ा शानदार नज़ारा देखने को मिलता है गंगा नदी के साथ साथ में। और शाम को आओगे तो पूरी आपकी जो लाइटें वगैरह सजा रखी है देखना आपको अच्छा लग रहा है देखने में, ऊपर अगर फोटो रहना चाहिए ऊपर वगैरह फोटो ले सकते हो, हर जगह चांस लेंगे आपको नज़ारा बढ़िया देखने को मिलेगा यहाँ पे नमो घाट का। काशी से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, फोटो वगैरह आप घाट के साथ आना चाहते हैं तो जैसे आप मणिकर्णिका घाट है वहाँ से पैदल वहाँ से आ सकते हैं, 3 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से, वैसे घूम के 5 किलोमीटर पड़ेगा, पर मणिकर्णिका घाट से आएंगे पैदल पैदल घाट आ गए तो यहाँ पहुँचेंगे, वापस भी जा सकते हैं पैदल। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे देख घूमने वगैरह आते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। दोस्तों गंगा नदी का शानदार नज़ारा रात का, ये जो मनमोहक दृश्य देख रहे हैं, सामने रेलवे ट्रैक, ऊपर सड़क जा रही है, फिर ये नमो घाट। बच्चों को खेले वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल है, ट्रेन वगैरह पांडा ट्रेन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है घाट, फर्स्ट टाइम आया लेकिन
नज़ारा बढ़िया मिलने वाला है। इधर पे दो बार आ चुके हैं। अगर आप बोटिंग वगैरह का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको बोट यहाँ से लगी हुई है नहीं, वहाँ से गाँव वहाँ नीचे जा रहा बंदा, वहाँ नीचे आपको तो पुल बना हुआ है वगैरह, वहाँ से भी है गाँव के नीचे आके शाम को भी नज़ारा ले सकते हैं बोट वगैरह का। गरम गरम काली चाय या गाढ़ा काढ़ा 500 खुले पड़े भाई लेने का सबसे। यार इसको इसमें डाल के मिला था बढ़िया से यार, मिला देंगे क्या, कोई मतलब नहीं रहेगा अभी तो बजा रहा बनाते यार तो बढ़िया बनाया यार मेरे क्या भी किसी में ज्यादा नहीं है सब नॉर्मल लगा। ये है बनारसी काशी का चाट, फेमस चाट वाला छोटा चाट चटा चटा ये गर्म भी हो जा रखी हो तो खाने दे गरम खाना यार हाथ ले पहले तो टेस्ट आएगा। ठीक है ठीक है, नाम भैया का क्या नाम है यार, सागर चाट भंडार। भाई ये चाट खा रहे बड़ा स्वाद बहुत टेस्टी चाट वगैरह है भाई। इसकी एक जगह देखेंगे तो मंदिर के पीछे और इधर सागर बेसमेंट पार्किंग है उसके सामने रहा था भाई सागर राम से द्वारा तुम्हारे दोबारा से सलमन फिर बनवाया है एक बड़ा टेस्टी चाट रहा खाने में मज़ा आ गया था। एक एक प्लेट दोबारा फिर लगवाई है भैया स्पेशल बना रहा बंदा लिए हमारा थ्री एडल्ट ब्लॉग चाट वगैरह बढ़िया मिलता है बढ़िया है। ये लो चाट पकड़ ले साले बहुत बड़े चाट है बढ़िया चाट है इनका। हमारा चैनल वाला सब्सक्राइब कर देना मैं देखूंगा आपको 3-4 दिन के बाद देखूंगा मैं। ओके मेरा सीन आएगा ना। हाँ बिल्कुल आएगा। थैंक यू। ओके अंकल आपसे काफ़ी खुश लगे कह रहे हैं चलो सब्सक्राइब करेंगे तो बैठे हैं काफ़ी खुश मिजाज दिल के अंकल है।